हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। और मेरा चैनल नंबर है, चैनल का नाम है नंदलाल मौर्य के नाम से है, उसको देखिएगा। और मैं आज दशमलव भिन्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूं। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन देखिए, मैं टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुरंत क्वेश्चन का सॉल्व कराना शुरू कर देता हूं। क्योंकि क्या है, ज़्यादा टाइम का हो जाता है तो वो बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, इसीलिए क्वेश्चन देखते हैं। 55 ये आरएस अग्रवाल से संबंधित क्वेश्चन है। और क्या है, क्वेश्चन दिया गया है 0.009 बटे एक्स और 0.1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो मान दिया गया है तो क्या करेंगे, इसको 1 यहाँ कर देंगे। अब इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। तो देखिए यहाँ x लिखेंगे, क्या है, अब इसको क्या इसके नीचे ये इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ कर दीजिए और ये इसका साथ में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले ये जो 0.01 दिया गया है इसको x के नीचे ले आएंगे और ये जो आपका x मान है ये इधर लाएंगे। तो इस तरह से कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 0.009 बटे 0.01, ये आपका है। अब यहाँ देखिएगा आपको कैसे क्या करना है, आपको पहले दशमलव हटाएंगे, इसका हटाएंगे, इसका हटा दिया मान ली, तो ऊपर इसके लास्ट दशमलव के बाद में कितने अंक, 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ इसके दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1, 2, 3, तो आपको नीचे 3 अंक बढ़ा देना है, 3 जीरो नीचे लगा देना है, 3 जीरो नीचे लगा देना। अब देखिए ये आपका कट गया और ये इधर भी हट गया, क्या करेंगे इसको हटा देंगे। अब यहाँ से 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, मतलब 4 ऊपर 2 नीचे 2 कट जाएगी, बचा क्या 9/10। अब इसका मान आ गया 0.09, आपका ये आंसर हो गया। आंसर में दिया गया है सी ऑप्शन, आपका ये सही हो गया। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 0.96 की पावर 3, 0.1 की पावर 3, 0.96 पावर 2, 0.096 गुणे प्लस 0.1 की पावर। अब देखिए ये आपका सूत्र है, कौन सा सूत्र है, इसको क्या मान लेंगे, इतने को जो मानते हैं ये 96 जो दिया गया है इसको मान लेते हैं ए, और बी आपका दिया गया है कितना 0.1 मान रख दीजिए उसने, क्या है ए का मान कितना, ए का मान दिया गया इसको ये 0.9 जो दिया गया इसमें रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे ए की पावर में 3 है तो 3 लगा देंगे माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ 0.1 का मान क्या माने हैं, बी माने क्या, बी बराबर 0.1 है तो 0.1 के स्थान पे बी रखेंगे तो बी रख दिया, पावर में 3 लिखा हुआ तो 3 लिख देंगे, फिर बटे नीचे देखिए यहाँ पर 0.96 क्या माने हैं, इतना माने हैं तो इसको लिख देंगे क्या, एक पावर में क्या है 2 तो 2 लिख देंगे प्लस। अब यहाँ देखिए ये 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसको ये सीधे सीधे लिखा गया था, इसको ये 0.096 लिखा गया है, ये आपका गुणे 0.1 इस तरह से, अगर इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.096 इस तरह से आ जाएगा। तो वही चीज ये लिखा है, ये दो भाग में लिखा हुआ, तो इसको एक माने थे ए और दूसरे को माने हैं बी इस तरह से, तो इसको यहाँ ये जो मान दिया गया है तो ए और बी दिया है बी के रूप में, और प्लस ये आपका देखिए बी माने हैं तो ये बी हो जाएगा, तो बी की पावर में 2 है तो 2 लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब नीचे वाले क्या, नीचे वैसे ही उतार लेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आपका मान है। अब इससे ये और ये कट जाएगा, आपका बचा क्या ए माइनस बी बचा हुआ। अब ए माइनस बी का मान क्या दिया हुआ, देखिए ये दिया है तो यहाँ रख देंगे 0.96 और माइनस 0.1, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। अब घटाने पर देखिए दस माह से 6 माह से जीरो निकाले तो 6 ही हो जाएगा, 9 माह से 1 निकाले तो 8 ही होगा, और यहाँ पॉइंट यहाँ जीरो लिख देंगे, इसको घटाने पे आपका कितना आएगा 0.86 आ जाएगा, इस तरह से ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आंसर पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 0.86 इस तरह हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 देखिएगा। क्वेश्चन है
57, ये दिया है 1.5 की पावर 3, 4.7 की पावर 3, 3.8 की पावर 3, उसके बाद 3 गुणे 1.5 गुणे 4.7 गुणे 3.8, नीचे भी कुछ दिए गए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम ये जो मान दिए गए हैं ये आपको मान, ये जो जितने मान हैं इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, a बराबर पहले मान लेते हैं, मानेंगे a बराबर, a बराबर आपका दिया गया है 1.5, चलिए मान लेते हैं, b बराबर मान लेते हैं 4.7 और c बराबर दिया है 3.8। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है, a बराबर मान लेते हैं 1.5, b बराबर 4.7 और c बराबर 3.8 मानते हैं। अब ये जो मान है यहाँ पुट कर देंगे, क्या इसमें सब में पुट कर देंगे, तो पुट करते हैं, देखें क्या ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ देखिए a माने हैं तो उसके पावर में जितना उतना पावर लगा देंगे, प्लस b के पावर में फिर b का पावर में 3 लगा देंगे, प्लस c के पावर में 3 है तो 3 लगा देंगे, माइनस 3 a b c, ये दिखा a b c इस तरह से। नीचे आपका हो जाएगा क्या, नीचे क्या करेंगे, यहाँ भी a क्यूब a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस c स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इस तरह से है। अब इसको तोड़ेंगे, ये एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला होते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इस तरह से फार्मूले होते हैं। अब नीचे जो मान दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, कट जा रहे हैं, आपका मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। अब ए का मान दिया गया 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 7 15 15 5 20, 2 हासिल और 4 3 7 7 1 8 8 2 10, ये हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा देंगे, आपका ऑप्शन देखिए 10 आ गया, 10 ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी बराबर सी माइनस 3 ए बी का फार्मूला होता है, एक में ए प्लस बी सी ए बी ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी बी सी माइनस सी ए, इस तरह से होता है। तो देखिएगा तो ये और ये दोनों सेम मिल जा रहे हैं, तो इसलिए ये कट गया, आपका बचा सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी बचा, ए प्लस बी प्लस सी है, उसके ए प्लस बी का मान यहाँ माने हुए थे हम लोग, क्या माने थे, जो माने थे, अब उसको मान पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आप जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह से आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन मिल रहा मैच कर रहा है, तो सी बराबर 10, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ये आपका मान दिया हुआ है 3.473 प्लस 0.598 दिया गया है, ऐसे इसको इसी तरह से दिया गया है, ये माइनस में दिया गया है और यही मान ये दिया है वही मान ये दिया, तो इसको पहले a बराबर मान लेते हैं क्या 3.473 और b बराबर मान लेते हैं 0.598, इसको मानेंगे। अब ये मान इसे पुट कर दीजिए, इस पे रखेंगे तो क्या a पावर में जितना है तो पावर में a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है। अब इस तरह का फार्मूला अगर है तो आपको सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 4 आंसर है, ये हमको पता है क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा लेकिन इसको इसका मान याद रखना है, ये जो मान होते हैं दोनों का मान जो होता है ये आपका था 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका ये और ये कट गया, सीधे आंसर आ गया 4। लेकिन इसको सॉल्व कराता हूँ, ये क्या है, इसको सॉल्व कराऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं, ये आंसर आ गया लेकिन आपको ये मान याद रखना पड़ेगा, इसका ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर था 4a into a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू ए बी, ये हो गया। इसमें तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी हो गया, ये हो गया।